फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द अप एंड फ्लाई। दोस्तों, एक बात से हम सभी वाकिफ है कि भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में एकमात्र भारत देश ऐसा है कि जहां 33 मिलियन देवताओं और देवियों का वास है। लेकिन सभी मंदिरों के अपने अपने इतिहास है, और अगर इन सभी मंदिरों पे गौर करें तो कुछ मंदिरों में देवताओं और कुछ में शैतानों का वास है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोगों से यही सारी बातें शेयर करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, काल भैरवनाथ टेम्पल, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में ये मंदिर काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इस मंदिर में देवताओं को प्रसाद के तौर पे शराब दी जाती है, और यह शराब भगवान को दी जाने वाली एकमात्र भेंट है। दोस्तों, मंदिरों के बाहर ज्यादातर बिकने वाला प्रसाद एकमात्र शराब है। और तो और, आप सभी को यहाँ पे फूल, माला और मिठाइयाँ बेचने वाली दुकान कहीं भी नहीं दिखेगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ के पुजारी शराब को देवताओं के मुंह में डालते और वही शराब की बोतल भक्तों को प्रसाद के तौर पे दे दिया जाता है। अटपटा है लेकिन सच है। नंबर टू, ओमबाना टेम्पल, पाली, राजस्थान। ओमबाना, जिसे बुलेट बाबा भी कहते हैं, यह मंदिर पाली राजस्थान में स्थित है, और यह मंदिर काफी ज्यादा रहस्य से भरा पड़ा है। आज तक वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिरकार लोग इस बुलेट की पूजा करते ही क्यों हैं। दोस्तों, कहानी के अनुसार लोग कहते हैं कि एक आदमी जो बुलेट बाइक में सवार हुए कहीं जा रहा था, तभी उसकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। जहां पे उसकी मौत हुई थी, आज वह मंदिर उसी स्थान पे खड़ा है, क्योंकि जब वहां पुलिस आई तो उस आदमी की बाइक को पुलिस स्टेशन में रख दिया गया। लेकिन अगले दिन ही उन्होंने देखा कि बाइक अपनी जगह से गायब थी, और बाद में उसी स्थान पर पाया गया जहां उस आदमी की मौत हुई। इसी तरह कई बार पुलिस कर्मियों ने बाइक को रखा, लेकिन बाइक बार बार उसी स्थान पे पहुंच जाती। आखिरकार लोगों ने उस बाइक को वहीं रख कर उसी जगह पे ओमबाना नामक एक मंदिर बना दिया गया। अजीब है लेकिन सच है। नंबर थ्री, देवी महाराज मंदिर, मालजपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देवी महाराज मंदिर अपने मासिक भूत मेले के लिए काफी जाना जाता है। हर महीने पूर्णिमा के दिन देश भर से लोग अपने शरीर में रहने वाली बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आते हैं। शैतानों से छुटकारा पाने के लिए लोग अपने हथेलियों पे कपूर की गोलियां भी जलाते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि उससे शरीर में वास करने वाली बुरी आत्मा डर जाती है और वह शरीर छोड़ जाती है। और इस मंदिर के पुजारी आत्माओं को भगाने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को उससे काफी ज्यादा मारा भी जाता है। काफी डरावना है लेकिन बेहद सच है। नंबर फोर, कामाख्या देवी टेम्पल, गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर के साथ स्थित असम देश में सबसे रहस्य मंदिरों में से एक माना जाता है। मुख्य देवी के कारण यहाँ हर साल एक बार खून की नदियाँ बहती है। मासिक धर्म की देवी का मंदिर भारत में सबसे पुराना और प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक है, जहाँ देवताओं की कोई भी मूर्ति मौजूद नहीं है, लेकिन योनि के आकार में एक पत्थर की पूजा की जाती है। और तो और, वह पत्थर हर साल लाल कपड़े से ढका हुआ रहता है। जून के महीने में मंदिर की दरवाजे उन दिनों के दौरान 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी ब्लड और अंडरग्राउंड वाटर पूरी तरह से लाल हो जाता है। दोस्तों, यह सब काफी विचित्र है, लेकिन इन सब के पीछे कोई भी विज्ञान मौजूद नहीं है। नंबर फाइव, मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, दौसा, राजस्थान। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत दिखता है, उतना ही अंदर से विचित्र भी है।
यह वो मंदिर है जहां लोग अपने राक्षसों से छुटकारा पाने आते हैं। यहां हर दिन लाखों के तादाद में भीड़ होती है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जहां लोग भूत प्रेत के अलावा किसी अन्य समस्याओं के लिए दिखाई देते हों। यदि आप कभी भी इस जगह पर जाते हो तो आपको कुछ गंभीर परेशानी जरूर दिखेगी, जैसे कि छत से लटकते हुए लोग या फिर खुद पर उबलते पानी डालने वाले लोग। और तो और, भारत में एकमात्र यही मंदिर है जहां आज भी खुले में एक्सोर्सिज्म होता है। दिल दहलाने वाली बात है, लेकिन बेहद सच है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही, ऐसे बहुत से मंदिर मौजूद है जहां पूजा नहीं बल्कि भूत प्रेत और शराब जैसे चीजों का सेवन करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को इन पांचों मंदिरों में से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लगी, और अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप कौन से मंदिर में जाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।